आज ऑफिस में दिन कैसा था? As usual, very hectic. आज कविता आई थी. कौन? कविता नागपाल? हाँ, कल उसकी एंगेजमेंट है, हम लोगों को इनवाइट किया उसने. क्या? कविता शादी कर रही है? किससे? इससे क्या फर्क पड़ता है, शादी तो कर रही है ना. हाँ, उसका हस्बैंड न्यूयॉर्क में. एक मिनट, बताने की कोई जरूरत नहीं है. कल जब मैं उसे मिलूंगी तो उसे पर्सनली बात कर लूंगी. ठीक है, तो तुम दोनों आ रहे हो ना? जाना तो पड़ेगा, वरना वो डिसअपॉइंट हो जाएगी, उसी तरह जिस तरह उसके ना आने से हम हो गए थे. ठीक है. कबीर, तुम सारा दिन ना बाथरूम में ही बैठे रहना ब्यूटी क्वीन की तरह, तब तक मैं तुम्हारा नाश्ता ना खो जाऊंगी. आ रहा हूँ संजू, दो मिनट. एक्चुअली ना मम्मा, वो कबीर है ना, वो शेविंग के लिए बहुत टाइम वेस्ट करता है. मैं तो सिर्फ उसे डरा रही थी ताकि वो जल्दी बाहर आ जाए. मैं उसका नाश्ता नहीं खाने वाली थी. बिल्कुल बाप पे गया. क्या मतलब? आप भी ऐसा ही क्या करती थी मेरी तरह? आप भी पापा का नाश्ता खा जाती थी? मैं उनका नाश्ता ही नहीं बनाया करती थी. मम्मा, दैट्स इवन स्मार्टर. सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे. वैसे भी आपको घर के काम से एलर्जी है, तो आप तो प्रे करती होंगी ना कि पापा हमेशा बाथरूम से लेट आए, है ना? मम्मा, मैं आपकी तारीफ कर रही थी. ज्यादा बोलने से गलत और सही का एहसास नहीं रहता, कम बोला करो. और हाँ, अगर तुम और कबीर तुम्हारी फ्रेंड की शादी पे जाना चाहते हो तो पहले बता दो. तुम्हारी सहेली ने ना तुम्हें इनविटेशन कार्ड दिया है और ना ही तुम्हें फोन किया है. लेकिन मामा, वो श्रुति से कहकर गई है. श्रुति से कहकर गई है, तुमसे नहीं. मैं कबीर को जानती हूँ, अगर उसे पता चल गया कि वो बिन बुलाया मेहमान है तो मना कर देगा. और ये बात सिर्फ तुम तीन सहेलियों की नहीं है, अगर तुम्हारी सहेली तुम्हारे पतियों को इनवाइट करना चाहती है तो इज्जत से करे, सलीके से करे. और मैं तो कहती हूं जहां इज्जत नहीं वहां जाना ही नहीं चाहिए. बाकी तुम्हारी मर्जी. श्रुति से कहकर गई है, तुमसे नहीं. मैं कबीर को जानती हूं, अगर उसे पता चल गया कि वो बिन बुलाया मेहमान है तो मना कर देगा. भाभी, अब कैसा लग रहा है आपको? आपको इस हालत में अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए. मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है, इसीलिए मैं चली आई. हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आई, वरना आजकल तो कोई आता ही नहीं. अरे, ऐसा क्यों कहती हैं? हम तो हैं ही, लेकिन आपको भी अपना पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए. अब आज की पार्टी में कुछ ऐसा वैसा मत खा लीजिएगा. आप जाती रही हैं ना? हाँ, कविता खुद हमें न्योता देने आई थी. अगर हम नहीं जाएंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा. हाँ, वैसे वो इनवाइट तो श्रुति को करने आई थी, है ना? आप तक तो सिर्फ मैसेज ही पहुंचा. तो क्या हुआ, हम तीनों में से कविता श्रुति की बेस्ट फ्रेंड है. हाँ, मैं वही थी जब कविता आई. उसकी बातों से तो ऐसा लगा कि क्या? कुछ नहीं. बताओ ना, क्या कहा? यही कि कविता एक्चुअली इनवाइट करने तो श्रुति भाभी को आई थी, और साथ ही साथ आप लोगों को भी इनवाइट कर लिया. वैसे आप तीनों में श्रुति भाभी लीडर मानी जाती है ना? आप लोग वही करेंगे जो वो चाहेगी. और उसने क्या कहा था? हाँ, बाय वन गेट टू फ्री. ऐसा कहा उसने?
मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ भाभी, मैं तो वही कह रही हूँ जो मैंने सुना। मुझे बहुत दुख हुआ जब श्रुति भाभी कविता की बात पर हंस रही थी। कविता वही ना जिसके भाई के बारे में तुम बात कर रही थी? तो भूत को देख क्या देखा पता नहीं। ये तो अभी तक आए नहीं है। उर्वशी, रचना ना? क्या है? जरा संजना और खुशी को बुला दो प्लीज। जी भाभी। सुनो। बहुत खूबसूरत लग रहा है आज। अरे तुम दोनों तैयार नहीं हुई? क्योंकि हम लोग फंक्शन पे नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कविता ने पर्सनली तुम्हें इनवाइट किया है, हमें नहीं। पर तुम दोनों के साथ विशाल और कबीर को इनवाइट किया था। तुम दोनों के बिहाफ पे मैंने तुम लोगों का इनविटेशन एक्सेप्ट किया था। एक्सक्यूज मी, तुम कौन होती हो विशाल और कबीर के बिहाफ पे इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए? शायद तुम्हारे लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे पतियों का सम्मान किया जाए, उनकी इज्जत की जाए जो उनका हक है। अगर वो लोग उनका सम्मान नहीं करना चाहते हैं तो वहां पर जाके उनका सम्मान करने की क्या जरूरत है? और मुफ्त में मिले सम्मान की पराए तो क्या, अपने भी कदर नहीं करते हैं। ठीक है बाबा, मुझसे गलती हो गई। तुम दोनों की तरफ से हाँ कहकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर मेरा गुस्सा कविता पर तो मत उतारो। उससे रिश्ता क्यों खराब कर रही हो तुम दोनों? जहां इतने रिश्ते टूट गए वहां एक रिश्ता और सही। तुम्हें बुलाया है, तुम जाओ। तुम दोनों क्यों ऐसा कर रही हो? मैं तो वहां पर अकेले भी नहीं जा सकती। कहां वो सोचती है कि हम तीन जिस्म एक जान है। क्या कहूंगी मैं जाकर उससे कि हम एक जान के दोस्त भी नहीं रहे? अब जो हुआ उसे भूल जाओ संजू। अब चलो ना, तुम्हारे दोस्त की एंगेजमेंट पे चलते हैं। संजू अब तुम तो मान जाओ। कम ऑन लेट्स गो। No way. मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने गहरे रिश्ते में ये कड़वाहट कहां से आ गई। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा। जब संजना ने मुझे पहले इस झगड़े के बारे में बताया तो मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, पर अभी देखा जाए तो पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। हमें जल्द से जल्द इस झगड़े के बारे में कुछ करना चाहिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये उन तीनों का आपस का मामला है, उनको आपस में बैठ के सुलझाने दो। और फिर तुम लोग तो जानते हो कि हमारे घर के मर्द औरतों के आपसी मामलों में दखल नहीं देते। इसका मतलब हम उनकी दोस्ती को इस तरह टूटने देंगे? हम अपनी तरफ से तो कुछ कोशिश ही नहीं करेंगे ना। अगर श्रुति ने उनकी तरफ से इनविटेशन नहीं लिया होता ना तो ये नौबत ही नहीं आती। देखो तुम खामखा श्रुति पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। उसने इससे पहले भी अपने दोस्तों के लिए इन्विटेशन ली है। पर बड़े भाई, श्रुति भाभी को यह समझना चाहिए कि अभी उनका रिश्ता सिर्फ सहेलियों का नहीं है, वो इस घर की बहू और हमारी भाभी भी है।
It's high time she gets matured. That means maturity और समझना सिर्फ श्रुति को है। संजना ने जो कुछ किया वो सब सही था ना? हर छोटी बात पर लड़ पड़ती है आजकल। आप संजना के ऊपर खामखा गलत इल्जाम लगा रहे हैं। वैसे भी झगड़ा सिर्फ श्रुति और खुशी के बीच में हुआ था। देखो, खुशी को इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस हालत में बेचारी को रुला दिया। For a kind information, संजना भी बहुत अपसेट थी और वो भी बहुत रोई थी। और श्रुति ने? वो भी तो दुखी, वो भी रोई है। अब छोड़ो इन बातों को, बहुत रात हो चुकी है, हमें जल्द कर सोना चाहिए। भाभी, आओ शीतल। वाह भाभी, आप तो दिन पर दिन तरक्की कर रही हो, बधाई हो। किस लिए? अरे, बेस्ट जिम ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए, मैंने अभी मैगजीन में पढ़ा। थैंक यू शीतल, वो तो मुझे मिलना ही था। वाह भाभी, आपके तो वारे न्यारे हो रहे हैं, आपका तो लेवल बढ़ता ही जा रहा है। पहले आप बिजनेस वुमन थी, फिर सासू माँ बनी और अब दादी माँ कहलाएंगी। मैंने सोचा था इस बार मैं आपको मात दे दूंगी, मैं पहले दादी माँ बनूंगी, लेकिन क्या है ना, हर बार की तरह आप ही बाजी ले गए इस बार भी। सबर कर शीतल, सबर कर, सबर का फल मीठा होता है। क्या भाभी, फल होगा तो मीठा होगा ना? हाँ वो तो है, मैं तो हमेशा से जीतती आई हूँ, लेकिन इस बार कंपटीशन रक्षा तुम्हारे बीच में है। अब देखना ये है कि तुम दोनों में से दादी पहले कौन बनेगी। ये बात तो मुझे याद ही नहीं आई। भाभी, मैं अभी विक्रम से बात करती हूँ इस बारे में। हाँ। ओ प्लीज शीतल, इसमें विक्रम से बात करने की क्या जरूरत है, बात तो तुम्हें कबीर और संजना से करनी चाहिए। दोस्ती और ना ही ऐसे दोस्त। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज की एक सीमा होती है, दोस्ती की भी, और तुमने वो सारी सीमाएं तोड़ दी। मेहरबानी करके हमें अकेला छोड़ दो, हम तुम्हारी मदद के बगैर भी खुशी से जी लेंगे। हम तुम्हारी मदद के बगैर भी खुशी से जी लेंगे। रहने दो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बिना भी जी लूंगी। जाओ तुम दोनों यहां से, प्लीज। चोट लगती थी तो
दर्द होता था और आज दर्द बांटने का हक भी नहीं है हमें। जैसा हमने चाहा था वैसा ही हुआ, हमारा तीर सही निशाने पे लगा। हाँ ताई जी, सल्ला बुआ का भी जवाब नहीं यार, क्या फैंटास्टिक आइडिया दिया उन्होंने। सालों का जोड़ एक झटके में तोड़। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने हद तक हमें कामयाबी मिलेगी, वो भी इतनी जल्दी। आखिर रिश्ते ने रिश्ते को काट ही लिया ना, एक बार रिश्ता टूट जाता है ना तो उसे फिर जोड़ना इतना आसान नहीं होता। आप ठीक कह रही है भाभी, कोशिश करते करते बरसों बीत जाते हैं। हाँ, और उनकी हार में हमारी जीत भी तो है। वो कहते हैं ना भाभी, जो जीता वही सिकंदर।